नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार उठापटक शुरू है। इस वक्त जो है हमारे पास खबर है, ये वो खबर है कि मध्य प्रदेश की सियासत में उठापटक के बीच जो है दल बदल की राजनीति भी चल रही है। आज नीमच में तप भूमि कार्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस के युवा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज कांग्रेस के युवा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और ये युवा जो है करीबन 30 से 40 बताए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मयंक प्लास जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के युवा नेता शामिल हुए हैं। पवन जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार मौजूद रहे, साथ ही उनके नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी में ये युवा शामिल हुए हैं। ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तपन मूल में आयोजित किया गया। जी, हम अभी तक कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और कांग्रेस में ही काम कर रहे थे, और आज हमने पवन भैया के नेतृत्व में, युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में आज भाजपा की सदस्यता ली है। और मेरे साथ मेरे और भी कई साथी हैं जो पार्टी में शामिल हुए। जी, भाजपा की जो नीति रीति रही है उसे देखते हुए और उसे मद्देनज़र रखते हुए सभी लोगों की एक ही राय थी कि हम भाजपा से जुड़ें और भाजपा के लिए कार्य करें और देश हित के लिए कार्य करें। जी, उपेक्षा जो कार्यकर्ताओं की हमेशा होती आई है कांग्रेस में, और जो चीज़ें कांग्रेस में लगातार चलती आ रही है जिससे सभी लोग परेशान हैं। सिंधिया को आइडल मान के छोड़ा आपने या कोई और वजह? जी, सिंधिया जी के हम हमेशा से समर्थक रहे हैं और सिंधिया जी को हम अभी भी हमारा मार्गदर्शक मानते हैं। जी, ठीक है। आपका क्या नाम है? जी, मयंक प्लास। क्या पद पे थे आप कांग्रेस? जी, जिला महासचिव था मैं यूथ कांग्रेस में। ठीक। आज भाई मयंक जी और इनके सभी मित्रगण भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होकर, और भाई मयंक जी चूँकि अगर बहुत लंबे समय से हम लोगों से बातचीत में भी बहुत बार बात होती रहती थी, और बहुत लंबे समय से इस प्रकार के विचार इनके सामने आते रहते थे, और अभी कुछ समय पहले भाई मयंक जी ने कहा कि भैया मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है, ये देश की चिंता करने वाली पार्टी है, ये समाज की चिंता करने वाली पार्टी है, ऐसा विचार कर और आज का दिन हमने ऐसा तय किया कि मेरे सभी युवा साथी, मेरे भाई, आज इन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आकर और भारतीय जनता पार्टी परिवार को और बड़ा और शक्तिशाली और ताकतवर बनाने का काम किया है।